समाज में लोग दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं। हाँ, आपको छोड़कर हमारे ओल्ड एज होम में भीड़ बढ़ती जा रही है। 50 बेड हैं और 150 बुढ़े रहते हैं। एक बेड पर तीन तीन लोग सोते हैं। यही तो जाके देखिए तो अच्छा नहीं लगता है। किसने कहा है देखने को? अरे डॉक्टर हूँ, राउंड पे तो जाऊंगा ही। वही तो, सामान्य बूढ़े बढ़ते ही जाते हैं मैडम। तो अच्छा है ना, जितनी बूढ़ों की तादाद बढ़ेगी उतना हमारा गृह उद्योग बढ़ेगा। हाँ, इस साल बूढ़ों के बनाए मसाले, स्वेटर और पापड़ में 100% की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, बस हमारा अचार नहीं बिकता। आपका अचार? मेरा मतलब है ओल्ड एज होम का अचार। एक भी बूढ़ा बूढ़े ऐसे नहीं है जो अच्छा अचार बना सके। पांडे जी, एक काम करते हैं, हम एक एड देते हैं, यंग उषा ओल्ड एज होम, होम जैसा होमली एटमॉस्फेयर दे। जो लोग अपने आप को होमलेस महसूस करें हमारे होम में आए, यंग उषा से मिले और अपना होम बसाएं। देख के थूका करो चाचा। अरे देखते ही ठुका था भतीजे। अगर अभी गिर जाता हम पे तो? तो गिरा तो नहीं ना। पर अगर गिर जाता तो? अरे भैया कैसे गिर जाता, आजकल नजर कमजोर हो गई है, नहीं तो पीयूष शुक्ला का पीक डायरेक्ट टारगेट पर पड़ता था, कईयों का मिल लाल कर चुके हम। अगर मुझ पे गिर जाता ना तो मैं? एक चीज बताओ, तुम्हारी शक्ल बड़ी मुसद्दी लाल से मिलती है भाई। शक्ल नहीं मिलती है, मैं मुसद्दी लाल ही हूँ। ढोलकिया जूनियर? तो जूनियर तो सीनियर तो तुम्हारे बाप थे ना? थे नहीं, मेरे बाप हैं भाई। कौन? अरे मेरे बाप हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ तुम्हारा बाप कौन है? अरे मेरे पिता हैं भाई। अरे पिता का कोई नाम रखा था? मुसद्दीलाल सीनियर। कोई तो कह रहे मुसद्दी के बेटे हो ना? नहीं, तुम्हारे बेटे। हाँ? नहीं, आप ये पूछ क्यों रहे हैं चाचा? वो क्या है भतीजे कि हम और तुम्हारे पिताजी मुसद्दी बाबू साथ में काम करते थे, वो क्लर्क थे हम। अच्छा, नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते, नहीं पैर छू गए। अच्छा जी, जी, जी। अब बताओ यहाँ यंग उषा ओल्ड एज होम में क्यों आओ? जी एडमिशन लेना। माय गॉड, जवान दिखते हो तुम तो। नहीं, अपने लिए नहीं। तो पिताजी के लिए। क्या? हाँ। कहाँ है मुसद्दी बाबू सीनियर? अब सीनियर तो बाहर बैठे, जूनियर आपके सामने खड़ा है। अच्छा चाचा, ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा? बेटा तुम पांडे से पूछ लो। जी वो यहाँ रहना चाहते हैं। झूठ बोलते हो। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। झूठ, कोई माँ बाप यहाँ नहीं रहना चाहता, उनके बच्चे यहाँ रखना चाहते हैं। ये बात यह है कि मेरी बीवी नहीं रखना चाहती। किसे? तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं, मेरे पिता को। बाप से छुटकारा पाना चाहते हो? हाँ, बस एक फॉर्म दे दीजिए। 100 रुपए लाओ। 100 रुपए तो बहुत ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है? अरे 100 रुपए तो मैंने अपने बच्चे के स्कूल के एडमिशन के फॉर्म के लिए दिए थे। तो बाप के एडमिशन पे भी 100 रुपए दो। नहीं नहीं, बाप का एडमिशन फॉर्म तो बच्चे के एडमिशन फॉर्म से सस्ता होना चाहिए। देखो बच्चा बूढ़ा एक समान, इसलिए हमने फीस एक रखी है, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। अच्छा ठीक है भाई, लाइए दे दीजिए, दे दीजिए 100 रुपए। हाँ, नाम बोलो। जी मुसद्दीलाल ढोलकिया जूनियर। उम्र बोलो। 45 साल। 45? हाँ। देखो 70 से कम उम्र वालों को हम नहीं लेते। अरे भाई, बाप की एडमिशन के लिए बेटे की उम्र से क्या लेना देना? बेटे की उम्र नहीं, बाप की उम्र 70 होना जरूरी है। हाँ तो उनकी उम्र 71 है ना? तो क्या अपनी लिखवा रहे थे? नहीं, वो गलती से, आप लिख लीजिए ना दोबारा। हाँ, बाप का बोलो नाम। जी मुसद्दीलाल ढोलकिया जूनियर हटा के सीनियर लिख लीजिए। उम्र बोलो। 70 के साथ 1 लगा दीजिए। बाप को पीटते हो? जी जी। देखो पिटा पिटाया बाप हमें नहीं चाहिए, अगर तुम पीट के लाए और यहाँ कुछ हो गया तो ब्लेम हम पर आएगा। नहीं नहीं, हम तो अपने पिताजी को बड़े प्यार से रखते हैं, वो तो हमारे साथ बहुत खुश हैं। तो यहाँ क्यों रखना चाहते हो? वो और ज्यादा खुशी चाहते हैं। यहाँ लाए हो? जी हाँ, बाहर बैठे हैं। तो ले आओ। जी अच्छा। ना ना ना, तुम नहीं, शुक्ला ले आओ। हाँ हम तो ला ही रहे थे। बैठे मुसद्दी बाबू, हम अभी आते हैं। देखिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, कि आपके बेटे ने जो कहा वो सच है कि नहीं। देखिए पांडे जी। चुप, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। क्या ये तुम्हारा बाप है? जी। तो ये बात साफ है? जी। क्या ये तुम्हारा बेटा है? जी। तो ऐसे क्यों बैठा है? जी वो। क्या तुम्हें इसने पीटा है? जी नहीं। तुम्हारी बीबी का नाम रीटा है? तुम अपने बाप को घर से बाहर निकालना चाहते हो? नहीं वो। तो यहाँ क्यों डालना चाहते हो? देखिए पांडे, तुम यहाँ रहना चाहते हो? जी वो। बोलो कुछ कहना चाहते हो? जी नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मुसद्दीलाल सीनियर। तुम्हारा काम क्या है? जी दुकान है। तुम्हारी उम्र क्या है?
68 बरस। ये तो कहता 71 है जी। वो झूठ बोलते हो। नहीं जी, बाप की उम्र से खेलते हो। देखिए पंडित जी, तुम्हारे बाप का एडमिशन नहीं हो सकता। मगर क्यों? क्योंकि हम 70 से कम वालों को नहीं लेते। अरे 2 साल इनको यहाँ रख लीजिए ना, तो हो जाएंगे ये 70 के। नहीं, आप जा सकते हैं। देखिए देखिए सुनिए पंडित जी सुनिए, देखिए पंडित जी कुछ तो कीजिए, किसी तरह से इनको रख लीजिए यहाँ पे। बड़े डेस्परेट हो अपने बाप को निकालने के लिए। कोई रास्ता तो निकालिए ना। एक रास्ता है। क्या? अपने बाप का जन्म 2 साल पहले का कराओ। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, अब तो मरने का समय आ गया, 2 साल पहले कैसे कराऊं? अरे मैं बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, है क्या? वो तो नहीं है। लो अब पहले प्रूफ लाओ कि तुम्हारा बाप पैदा भी हुआ था। तो क्या कह रहे हैं आप, वो सामने बैठे तो हुए हैं। कानून कागज मांगता है क्या? नहीं है। तो फिर बनाओ। कैसे? कागज से। कागज से? कागज से कागज कैसे बनेगा? हरा कागज दिखाओ तो सफेद कागज मिल जाएगा। मतलब 10,000? 10,000? हाँ ठीक है, तो कल ले आता हूँ मैं 10,000 रुपये। तो परसों रजिस्ट्रेशन नंबर ले जाना। जी ये लो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन। तो कब होगा एडमिशन? पटेल से मिलो। पटेल कहाँ है? वो सामने बैठे हैं। कहाँ? यहाँ तुम्हारे सामने है ना, देखो 205 नंबर वेटिंग है आपके बाप का। नहीं लेकिन ये तो बहुत लंबा नंबर है। अबे कि क्या करो भाई, आजकल जिसे देखो सब अपने बाप को ओल्ड एज होम में रखना चाहता है ना। तो मैं क्या करूँ? क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं। ट्रेन में सफर किया है? हाँ किया है। लास्ट टाइम सफर किया था तो नीचे लेट के सफर किया था। इंश्योर किया है ना, तो फिर ट्रेन में वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर होता है? वो जब कंफर्म सीट कैंसिल होना शुरू होता है तो एक एक करके क्लियर होता चला जाता है। करेक्ट, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, जैसे ही ऊपर से वो कैंसिल होना शुरू हो जाता है नीचे वाला क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो पिताजी का नंबर कब आएगा? 204 कैंसिल होने के बाद, जैसे ट्रेन में आता है ना। लेकिन ट्रेन में तो एक और तरीका भी होता है ना। क्या? कुछ चाय पानी लेके। तो चाय पानी देते हो? अगर आप लेने को तैयार हैं तो मैं देने को तैयार हूँ। कितना देते हो? 100 रुपया। उठो जी, उठो जी, उठो उठो जी, जी। मुझे टीसी समझा है क्या? ये ओल्ड एज होम ट्रेन का डिब्बा दिख रहा है, 100 रुपया दिखाते हो मुझे, 100 रुपये की बात करते हो। नहीं नहीं जी, वो बात की कि मैं तो एकदम 50,000 लगेंगे। 50,000? हाँ। देखिए लेकिन ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा वादा का चक्कर छोड़ दो वरना 2 बातें हो जाएगी, या तो बाप का एडमिशन यहाँ होगा या तो नहीं होगा। होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और नहीं हुआ तो 2 बातें होंगी, या तो बाप को घर वापस ले जाओगे या तो सड़क पे छोड़ दोगे। सड़क पे कैसे छोड़ सकते हैं, और घर ले गए तो 2 बात होगी, या तो बाप बीमार होगा या तो नहीं होगा, नहीं होने की उम्र नहीं है उनकी, और हो गए तो 2 बात होगी, या तो खर्चा करना पड़ेगा या तो सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करने वाले दिखते नहीं हो लड़के तुम, और खर्चा किया तो 2 बात होगी, या तो 1,000-2,000 से काम चल जाएगा तो 1-2 लाख लगेंगे। 1,000-2,000 में कुछ नहीं होता भाई साहब आज, और 1-2 लाख खर्च किए तो फिर ठीक है, रखो बाप को अपने पास, खर्चो 1-2 लाख खर्चो, फिर बीवी को पता चलेगा ना 50,000 के बजाय 1-2 लाख खर्च किए हैं तो। नहीं 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 नहीं, मैं आपको 50,000 देने के लिए तैयार हूं ना, आप मुझे रजिस्ट्रेशन दे दें बस। ओके ओके, कल 50,000 दे जाना और परसों बाप को भेज देना। अब ये मेडिकल चेकअप यहीं होता है? जी हाँ। बहुत मेहरबानी आपकी। टोकन नंबर 6 राम बाबू वर्मा। ये मेरे पिताजी हैं। आइए पिताजी। बेटे जरा ध्यान से। जी पिताजी। ये आप अपने पिताजी को बेटा कहते हैं? जी जी वो तो अभी मैंने सुना, आपने कहा ध्यान से बेटा और उसने कहा अच्छा पिताजी। अरे ये तो ऐसे ही बस। कुछ गड़बड़ है क्या? दिखाइए नाक, दिखाइए दांत, दिखाइए इधर। हाँ कुछ नहीं, सब गड़बड़ है। क्या हुआ भाई साहब? बुढ़ापे में सर के बाल गिरते सुने थे, इनके तो मूंछ के बाल गिर रहे हैं। आपकी मूंछ झड़ रही है। अबे अबे ये तो जवान है बे। हाँ। अरे भैया बुजुर्ग लोग जवान बनते हैं, आप जवान बुजुर्ग क्यों बनने लग गए? क्योंकि पिताजी घर से निकालना चाहते थे। वाह बेटा, बेटे बाप को निकालते थे अब बाप भी लग गए। शुक्ला हर बुड्ढे को चेक करो, कोई और जवान बुड्ढे के भेष में तो नहीं है? अरे शुक्ला क्या घूर रहे हैं? तुम वापस बूढ़े हो कि नहीं? अरे तुम्हें क्या लगता है, बालों में मैंने सफेदी लगाई है, 30 साल से मुझे जानता है। अरे क्या कर रहा है? अरे असली है ये भाई, असली है। सॉरी सॉरी, मुझे लगा आपका लड़का आप बन के आ गया। सांप बन के आ गया? अरे कौन सांप बन के आ गया यहाँ?
सांप बन के नहीं, मुझे लगा आपका लड़का आप बन के तो नहीं आ गया। अब देख लिया, मेरा लड़का नहीं, ये मैं ही हूँ अपने लड़के का बाप। ठीक है चलो चेक करा ले, अभी बाकी है। अरे अभी तो शुरुआत है। क्या है? डाइट क्या है तुम्हारी? डाइटिंग नहीं करता मैं। मैं डाइटिंग नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब डाइट खाते क्या हो? जो मिल जाए खा लेता हूँ। क्या मिलता क्या है? अब मेरे बेटे के यहाँ तो कुछ नहीं मिलता। हा? कुछ नहीं देता वो? उसको कहाँ मिलता है? क्यों? बीवी नहीं देती। किसकी? उसकी। उसकी किसकी? अरे मेरे बेटे की बीवी नहीं देती। ओ तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा तो चलेगा? अरे ऐसे कैसे चलेगा, तो खाओगे ना। हाँ तो इसीलिए पूछ रहा हूँ। क्या पूछ तो ऐसे रहे हो, जैसे मैं जो बोलूंगा वो तुम मंगा दोगे। नहीं देंगे तो वही जो देना है हमें। पूछ तो इसलिए रहा हूँ कि फॉर्म में लिखना कि खाते क्या हो। रोटी और अचार खाता हूँ। बस बस खुद बनाते हो? हाँ खुद बनाता हूँ, तुम खाओगे? अगली बार आओगे तो जरूर लेके आना। हाँ, हाँ, ले आऊंगा, चेकअप जल्दी खत्म कर। मैं बैठे बैठे बहुत थके हूँ। हाँ भाई शुक्ला रेडी? ए तो पीऊ न। अब ट्रेंड हो गया है। हाँ जुबान दिखाओ। दे बस शुक्ला लिखो, जुबान एकदम सफेद है। नाक दिखाओ। शुक्ला लिखो, नाक में छेद है दो दो। दिल धक धक करता है? बहुत जोर से धक धक करता है। शुक्ला लिखो, हार्ट प्रॉब्लम। और घुटने में? घुटने में दर्द होता है? दोनों में होता है। है? शुक्ला पीएम प्रॉब्लम। अरे भाई इतनी महंगी और बड़ी बीमारी के साथ हम आपको यहाँ पे नहीं रख सकते। हाँ बीमारी प्राइम मिनिस्टर वाली और रहने चले आए ओल्ड एज होम के अंदर। शुक्ला रिपोर्ट में लिख दो कि हम मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं, ये यहाँ नहीं रह सकते। भाई बम्बई कौन ले जाएगा इन्हें बार बार? अरे तो मैं कहाँ रहूंगा? हाँ अपने बेटे के यहाँ जाके रहो जी। डॉक्टर साहब आप समझ ही नहीं रहे हैं, मैं अपने पिताजी को अपने घर पे नहीं रख सकता हूँ। तो क्या हम रख लें? अच्छा मतलब आप उन्हें अपने घर पे रख सकते हो? अरे यार बड़ी मुश्किल से अपने बाप को घर से निकाला है, तुम्हारे बाप को कहाँ से रख लें? तो मैं क्या करूँ? अरे मुझे क्या पता। तो किसको पता है? अरे बाप तुम्हारा है कि मेरा? नहीं है तो मेरा। तो फिर कौन रखेगा? आप रखेंगे। क्या बोल रहे? हाँ मतलब मेरी बीवी रखने को तैयार नहीं है भाई। अरे देखो भैया तुम्हारा बाप जो है मेडिकली अनफिट है, उसको हम एडमिशन नहीं दे सकते, वो मेडिकल एग्जाम में फेल हो चुका है। देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो भगवान होता है ना, भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता है। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें रख लीजिए बिना लड्डू के। बिना लड्डू के? अरे ऐसे ही प्रार्थना करोगे बिना लड्डू के? सूखी सूखी जी नहीं, लड्डू खिलाता हूँ मैं आपको। लीजिए पूरा का पूरा डब्बा ही लीजिए। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट लीजिए, तैयार है एडमिशन क्लियर। अरे वाह पहले से तैयार करके रखा था आपने? डॉक्टर है तैयार रखते, बस नाम और डेट डाल लो। अच्छा अच्छा भेज दूँ मैं पिताजी को? अभी कहा कल भेजना, बोरिया बिस्तरा समेत? अरे नहीं भाई अभी तो ऊषा जी उनसे इंटरव्यू लेंगी, उन्हें क्या क्या आता है। अच्छा नाम क्या बताया? मुसद्दीलाल ढोलकिया जी। ढोलक बजाना आता है? जी नहीं। स्वेटर पहना है कभी? हाँ स्वेटर तो पहना है। तो बता सकते हो उसके उल्टे फंदे कैसे और सीधे फंदे कैसे पड़ते हैं? उल्टे फंदे उल्टे पड़ते हैं और सीधे फंदे सीधे पड़ते होंगे। क्या हाँ, मतलब स्वेटर बनाना तो मुझे नहीं आता। अच्छा ये बताओ पुदीने की चटनी में क्या क्या पड़ता है? जी पुदीना और चटनी बढ़ती है जी। पुदीने की चटनी है तो चटनी तो पड़ेगी ही उसमें। नहीं 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 गलत, तुम्हें पुदीने की चटनी भी बनाना नहीं आता। सूखा पापड़ कैसे बनता है? पापड़ को सुखाया जाता है। वो तो है पर तुम कैसे बनाते हो? पापड़ बनाना मुझे नहीं आता। नहीं आता तो क्या आता है? कढ़ाई बुनाई वगैरह आती है? नहीं नहीं ये सब नहीं आता मुझे। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? रहने। ससुराल समझाए क्या? अरे मतलब यहाँ रहने के लिए ये सब जानना जरूरी होता है क्या? देखो भाई जेल में भी लोग रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ, तो ये जेल है? है तो नहीं, मैं तो बस मिसाल दे रही थी। तुम्हें एडमिशन नहीं मिल सकता। क्या? हाँ हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। ये यहाँ नहीं रखेंगे, बेटा घर में नहीं रखेगा, अब कौन कहाँ रखेगा? अरे तभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं बच्चों पर सब मत लुटाओ बचा के रखो। बस यही गलती हो गई शुक्ला, एक मकान था वो भी उसके नाम कर दिया, अब पता नहीं क्या होगा।
क्या हो गया मुस्तदी लाल जी, एडमिशन हुआ कि नहीं? अरे नहीं डॉक्टर साहब। क्यों? मुझे सिलाई कढ़ाई नहीं आती। हाँ वो तो है। एनीवे आपका बेटा तो है। हाँ बस नाम ही को बेटा है। खैर छोड़ो, ये लो, ये मैं आपके लिए रोटी और अचार लेके आया हूँ, अपने हाथ से बनाया है मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, खुशबू तो बड़ी जोरदार आ रही है। अच्छा भाई शुक्ला, चलता। सॉरी मुसड्डी भाई, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं तो ऊपर वाला तो अपने साथ है ही। कितने बुढ़े आए इस बार? 15 मैडम। 8 लाख रुपया डोनेशन आया है। गुड। आजकल बेटे बापों को निकालने के लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार है। इसलिए हमने अपने बेटे के लात मार के पहले ही निकाल दिया। पर एक प्रॉब्लम तो वही का वही है, अचार बनाने वाला कोई बुढ़ा मिला ही नहीं। तो जवान रख लो ना, उसे पैसे देने पड़ेंगे ना। अपना कोई बुढ़ा हो तो पैसे थोड़ी लेगा। आपका बुढ़ा? मेरा मतलब है ये ओल्ड एज होम का बुढ़ा। देखो मैडम, आजिया पहले खा लो फिर बोलो। कब से क्या खा क्या रहे हो? अचार और रोटी। अचार के साथ सूखी रोटी? अरे मैडम खा के देखिए आप, आपकी लाइफ बन जाएगी। कहाँ से लाए? अरे वो एक बूढ़ा आया था ना एडमिशन के लिए, वो लाया था बना के। बना के? हाँ। बूढ़ा? हाँ। कहाँ है? रिजेक्ट कर दिया। किस गधे ने किया? अरे गधे ने नहीं, गधी ने। किसने? आपने। हाँ, मैंने? यही तो। वो उसे बुलाओ, सिलेक्शन कराओ उसका। अरे नाम क्या था उसका? मैं जानता हूँ, मुसड्डी लाल ढोलकिया। हाँ? जी तुम्हें अचार बनाना आता है? जी। तो बताया क्यों नहीं? आपने पूछा ही नहीं। हाँ मैं भूल गई थी। हाँ मुझे मालूम है। क्या? यही कि आप भूल गई थी। ये तुम्हारा बाप है? जी। कहाँ मिला? जी मैडम के पूछने का मतलब ये है कि अब तक कहाँ छुपा के रखा था। कमाल के बाप है तुम्हारे। क्या? उनकी आचार का सैंपल दिखाकर ओल्ड एज गृह उद्योग ने लाखों रुपए का ऑर्डर ले लिया है। पता है इनके लाए आचार के आज मार्केट में वैल्यू क्या है? नहीं पता। आपको पता करके करना भी क्या है? वैसे भी अब तो इनका एडमिशन यहाँ हो गया है। अब तो ये हमारे साथ यही इसी ओल्ड एज होम में रहेंगे। नहीं नहीं पिताजी यहाँ नहीं रहेंगे, पिताजी तो घर पे रहेंगे। अरे पर इतने दिनों से तो तुम इन्हें यहाँ रखने के लिए परेशान थे। 10,000 रुपए देकर गलत बर्थ सर्टिफिकेट बनाया ना। 50,000 रुपए दिए थे ना इन्हें घर से निकालने के लिए। झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया। अब अचार की कीमत देख के प्यार आ रहा है। नहीं नहीं पिताजी यहाँ कैसे रह सकते हैं, पिताजी की तो तबीयत खराब रहती है, पिताजी तो घर पे रहेंगे। चलिए पिताजी। घर में बीवी नहीं रखना चाहती ना? अरे घर क्या उसके बाप का है? था तो बेटा तुम्हारे बाप का, लेकिन अपने नाम करा लिया। नहीं लेकिन यहाँ पिताजी की देखभाल कौन करेगा? पिताजी चलिए घर चलिए। हम करेंगे, हम इलाज कराएंगे, तुम चिंता मत करो, ये यही रहेंगे। नहीं नहीं यहाँ नहीं रहेंगे, ये मेरा बाप है। नहीं नहीं ये हमारा। क्या है हमारा? कुछ नहीं है। आप चलिए मेरे साथ पिताजी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा बेटा। क्या? हाँ कम से कम ये लोग मेरी कदर तो करेंगे। चलो आचार की खातिरी सही, लेकिन सत्कार तो करेंगे। नहीं पर। नहीं तुम चिंता मत करो बेटा, जो कुछ पैसा तुमने खर्च किया है ना, वो सारे का सारा तुम्हें वापस मिल जाएगा। क्यों मैडम? हाँ बिल्कुल, पांडे जी इनके सारे पैसे लौटा दो। नहीं पर मेरा बाप अब हमारा है। गुड बाय मिस्टर मुसद्दी लाल ढोलकिया जूनियर, दरवाजा उधर है। पापा। क्या है बेटा? आपको अचार बनाना आता है? नहीं पर क्यों? तो आपको ये लोग एडमिशन कैसे देंगे? पर मुझे एडमिशन क्यों चाहिए, क्या जरूरत है एडमिशन की? बुढ़ापे में जब मैं आपको घर से निकालूंगा तब तो पड़ेगी। हैं?